एक उपाय हम आपको बता दें, आजकल सबकी एक बड़ी समस्या है, उपाय बताऊं? अभी तो पत्नी पति से वियोग करवा रहा था, अब आपको एक साथ रहने का उपाय बता रहा हूं। जितने भी धर्मपरायण पति पत्नी हैं, आपके बीच में कभी लड़ाई ना हो, ऐसा छोटा छोटा एक दो प्रयोग कर लीजिए। सुनेंगे कि नहीं सुनाऊं? जिन पति पत्नी में आपस में बीच में कभी कभी झगड़ा होता है वो सुने, जिनमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं वो सुने, जिनमें एक दूसरे की बात को सुनने की क्षमता नहीं होती है वो सुने। जो चाहते हैं हमारा संबंध बड़ा अच्छा सा बना रहे, पति पत्नी जो चाहते हैं अच्छा संबंध बना रहे, वो एक दो उपाय बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने और कम से कम ये उपाय 27 दिन तक लगातार करें। और हाँ, एक उपाय करते समय कई उपायों को एक साथ न करें, एक उपाय को ही करते रहें, वही आपको उस रास्ते में अच्छी तरीके से ले जाएगा। तो जो जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे पति पत्नी में वो बात बनी रहे, ठीक ठाक बनी रहे, तो आप सबसे एक निवेदन है, आपके सोने का तरीका भी, आप कौन सी दिशा में सोते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। श्री हरिवंश पुराण में अच्छा उपाय, ये हरिवंश पुराण का उपाय नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हमारे हाथ में आया है, हम भी यहीं पढ़ रहे हैं, हमको कहा है कि ये उपाय बताना, आजकल बहुत पति पत्नी में लड़ाई होती है, तो इसलिए ये उपाय बता दीजिए। अब इसमें जो लिखा है वही बता रहे हैं हम, सुन लो। पति पत्नी की तकिया दो नहीं होनी चाहिए, एक लंबी सी तकिया होनी चाहिए, एक ही तकिया पे दोनों का सिराना होना चाहिए। इसीलिए शायद हमने देखा है कई होटलों में बड़े लंबे लंबे तकिया होते है ना, तो होटल वाले ज़्यादा अच्छा जानते हैं गृहस्थियों से कि तकिया कितना बड़ा हो। तो एक तकिया लंबा होना चाहिए, उसी पे दोनों का सर होना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए, दाईं ओर नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पत्नी को, और बाम भाग ही है पत्नी का, हमारे शास्त्रों में बामांगी कहते हैं, बाम भाग में आप जहां भी जाएंगे भगवान के युगल सरकार के दर्शन करेंगे तो किशोरी जी बाम भाग में ही है। इसीलिए पत्नी को बैठना भी बाम भाग में चाहिए, लेटना भी बाम भाग में चाहिए, और ज्यादातर बाम भाग में रहें, राइट हैंड साइड से पूजा में होती, ये ध्यान रखें। अलग अलग गद्दे और तकियाओं का प्रयोग न करें, ध्यान रखें। हाँ, तो डबल बेड पर तो एक ही गद्दा होता है, तकिया अलग अलग होती हैं, उनको थोड़ी सी सिलवा के लंबी कर लो, एक उपाय। जिस कमरे में, मींस बेडरूम में आप लोग जो सोते हैं, दूसरा उपाय, जिस बेडरूम में आप लोग सोते हैं उस कमरे का रंग या तो हल्का गुलाबी रखें या हल्का हरा। कभी भी शयन कक्ष में गाढ़े रंग का प्रयोग न करें, जो गहरे रंग होते हैं शयन कक्ष में गहरे रंग का प्रयोग न करें, गाढ़े रंग का प्रयोग न करें, या तो हल्का सा गुलाबी हो अथवा हल्का सा हरा होना चाहिए। पीले रंग या इससे मिलते जुलते रंगों का प्रयोग सोने के कमरे में कभी भी न करें। कौन से? पीले रंग या इससे मिलते जुलते रंग, जो पीले रंग से कहीं टच होते हों, थोड़े बहुत मिलते जुलते हों, ऐसे रंग का प्रयोग कभी भी बेडरूम में न करें। जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में ऐसा रंग नहीं होना चाहिए। तीसरा उपाय, शुक्रवार को पति पत्नी को एक साथ फूलों की खरीदारी करनी चाहिए। इस खरीदारी में केवल गुलाब या सफेद फूल खरीदें
और उन फूलों को सोने वाले कमरे में अपने बिस्तर के सिराने रखें। गुलाब के ही खरीदो, वही ज्यादा अच्छे हैं, लाल लाल। कौन से दिन? शुक्रवार को। शुक्रवार मीन्स फ्राइडे, राइट? हाँ, फ्राइडे को खरीदें लाल फूल। लाल फूल सिराने रख के सोइए, पर वो लाल कांटे वाले नहीं होते, है ना? कांटेदार फूल नहीं रखने चाहिए घर में। ले आओ कांटे तोड़ ताड़ के, वैसे ही फूल फूल ले आओ, तो वो अच्छा रहेगा। एक और अहम बात, ये चौथा उपाय और महत्वपूर्ण उपाय है, पति पत्नी को सोते समय पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। दिशा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग रॉन्ग दिशाओं में सर करके सोते हैं तो उनको सर की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। ये वास्तु शास्त्र ही नहीं कहता, हमारे शास्त्र भी कहते हैं आपको किस दिशा में मुंह करके सोना है, किस दिशा में मुंह करके। हमने आपको हरिवंश पुराण में ही बताया था, या उससे हरिवंश पुराण में ही बताया था, किस दिशा में मुंह करके शौच इत्यादि त्यागना चाहिए। अभी एक दो दिन पहले तो बताया है आपको, तो यहां हर चीज का ध्यान है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि पति पत्नी को या तो पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। पैरों की तरफ बहते हुए जल की बड़ी तस्वीर लगाएं, पैरों की तरफ जहां आप सिर हो गया आपके सामने, तो वहां जो बहते हुए जल की अगर आप तस्वीर लगाएंगे तो वो भी गुणकारी होगी। सोने वाले कमरे में देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्र लगाने से बचें। आपके कमरे में देवी देवताओं, जिसमें आप सोते हैं वहां देवी देवताओं का चित्र ना हो तो ज्यादा अच्छा है। आप जानते होंगे वैसे तो भगवान समदर्शी हैं, समदृष्टा हैं, पर फिर भी सैन्य कक्ष में सो रहे हो जन, कैसे कैसे खर्राटे लोग हैं, तो वहाँ भगवान रहे वो ठीक नहीं। भगवान को छोड़ ऐसे, आजकल तो मोबाइल में जब दर्शन करना हो तब कर लो, तो इसलिए वो उससे बचे। ये कुछ उपाय मुझे बताए गए, अभी और भी हैं उपाय, तो हाँ ये रहे, और दो उपाय और हैं, बताऊँ कि छोड़ूँ? समय तो हो गया, बता दूँ कि छोड़ दूँ? हाँ, फ्री में मिल रहे हैं, कौन सी दक्षिणा देनी पड़ रही। आय हाय, ये बड़ा अच्छा उपाय, प्रत्येक पत्नी को पसंद आएगा। पत्नी तो कह रहे होंगे महाराज ये उपाय पहले नंबर पे रखना चाहिए था आपको, उपाय बड़ा अच्छा है। ये भी शुक्रवार वाले दिन हल्की सुगंध वाला परफ्यूम इत्र पति को खरीदना चाहिए और अपनी पत्नी को गिफ्ट करना चाहिए, और दोनों जाके ले आए तो ज़्यादा अच्छा है, और दोनों एक दूसरे उसी हल्की सुगंधी वाले परफ्यूम का प्रयोग करें, पति पत्नी दोनों मिलकर। हाँ, एक सावधानी रखें, तीखी सुगंधी वाला कोई परफ्यूम अथवा इत्र ना खरीदें। ये कई महाराज इतना भयंकर लगा लेते हैं, हम तो लगाते नहीं कसम से। कई लोग तो पूजा करते समय जब आरती करते हैं ना, भागवत भगवान की है आरती, और देवियों में से बड़े परफ्यूम की सुगंध मारती, बड़ी तेज मारती है कसम से, पूरा नाक हिला देती है। ये तो शुक्र हो कोरोना का कि आजकल ये मुचीका लगवा दिया, बड़ी तेज होती है एकदम। आज हम लगाते नहीं तो ज्यादा चढ़ती है हमारे दिमाग में, तो इसलिए हल्की सुगंधी वाला परफ्यूम ही प्रयोग करना चाहिए पति पत्नी को। शुक्रवार को देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं, इसके बाद साथ में ये छठा है उपाय, शुक्रवार को देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं, इसके बाद साथ में उस मिठाई को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पत्नी अपने हाथ से खिला दे पति को, और पति अपने हाथ से पत्नी को खिला दे, करवा चौथ समझकर। इन दिन खट्टी चीजों का सेवन न करें, ये छठा उपाय है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये उपाय करवा चौथ के दिन मिल जाते तो ज्यादा अच्छे थे, पर अब मिल गए, इनको अब प्रयोग में ले आना। जिन पति पत्नी के बीच में थोड़े से मतभेद रहते हैं उनको इसका प्रयोग करना चाहिए, और गृहस्थ सुरक्षित रहेगा,
तो भक्ति भी अच्छी होती रहेगी। इसके लिए भी उपाय हमने बताए हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।